So good morning friends, welcome to PD classes. Today a very important session for all those who want to make their career in blood bank interviews. दोस्तों आज जो हम आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं मोस्टली टेक्निकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है हमारे जितने भी स्टूडेंट्स जो ब्लड बैंक में जा रहे हैं या उनके इंटरव्यूज देना चाहते हैं उनके लिए आज का इंटरव्यू बहुत बेनिफिट रहेगा। और उम्मीद करता हूं हमारे दोनों चैनल्स पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड पर आप स्पोकन इंग्लिश पर्सनल डेवलपमेंट बॉडी लैंग्वेज के वीडियोस देख रहे हैं और बहुत कुछ वहां से सीख रहे हैं। तो चलिए काजल, मैं आपको सबसे पहले वेलकम करता हूं। काजल, ये एक मॉक सेशन है और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि ब्लड बैंक का वर्क क्या होता है, क्या काम करता है ब्लड बैंक, बताइए हमें। सर, ब्लड बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्पिटल्स ब्लड बैंक। एंड सर, इसकी जिम्मेदारी होती है कि ये जो ब्लड इन्वेंट्री टाइप होते हैं इनको मेंटेन करना और ब्लड एवरेज एज होती है उनको रिकॉर्ड करना और जो ब्लड आउट डेटेड होते हैं उनको मॉनिटर करना। तो ये कुछ कार्य है आप ब्लड बैंक के होते हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि आप ब्लड बैंक क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट इज द रीजन? सर, बचपन से ही ह्यूमन बॉडी की स्टडी करना मेरा इंटरेस्ट रहा है। Good. और सर, लोगों की हेल्प करना मेरी हॉबीज है। और सर, ब्लड को गिफ्ट ऑफ लाइफ भी कहा गया है क्योंकि सर हमें दुनिया में कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती रहती है। बिल्कुल। और सर, मैंने भी ब्लड डोनेट किया है, 6 मंथ में ब्लड डोनेट करती रहती हूँ। तो सर, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि ब्लड बैंक में मेरे लिए वर्क करना। ओके, दैट्स गुड। चलिए मैं कुछ टेक्निकल राउंड के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि हाउ मेनी ml ऑफ ब्लड इन अ बैग, जो एक पर्टिकुलर बैग होता है जिसमें स्टोर किया जाता है ब्लड को किसी पर्सन से लेकर, हाँ, उसमें कितना ml तक आता है ब्लड? सर, उसमें 250 से 300 ml तक ब्लड हो जाता है स्टोर। और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड बैंकिंग आर देयर, कितने टाइप के बैंक होते हैं ब्लड बैंक? सर, ब्लड बैंक 3 टाइप के होते हैं, गवर्नमेंट ब्लड बैंक, प्राइवेट ब्लड बैंक और NGO। वेरी गुड। और व्हाट वॉल्यूम इज 1 यूनिट ऑफ ब्लड, यानी कि 1 यूनिट ऑफ ब्लड में कितना वॉल्यूम आता है? सर, इसमें 525 ml आता है। ओके, यू मीन टू से 1 यूनिट इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 525 ml। ओके, चलिए मुझे ये बताइए कि आपने जो 525 ml का है इनके कंटेंट्स क्या क्या है, मींस ब्लड में जो ये कंटेंट्स है इसमें क्या क्या कंटेंट्स होते हैं? सर, इसमें कंटेंट्स होते हैं कि RBC, WBC और प्लेटिनेट्स और प्लाज्मा। वेरी गुड। काजल, मुझे ये बताइए, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ ब्लड? सर, 700 से 950 रुपए पर यूनिट। ओके, और गोल्डन ब्लड टाइप किसको कहा गया है? सर, RH नल ब्लड को। ओके, काजल, कैन ब्लड टाइप चेंज, क्या ब्लड टाइप चेंज हो सकता है? यस सर, बहुत से केसेस में ब्लड टाइप चेंज हो सकता है, जैसे कि बोन मेरो ट्रांसप्लांट और कैंसर और सर जो इन्फेक्शंस होते हैं उसमें। ओके, इसमें ब्लड टाइप चेंज हो जाता है। यस सर। चलिए मुझे बताइए कि ओल्डेस्ट ब्लड टाइप कौन सा है? सर, ओल्डेस्ट ब्लड टाइप ए है। ए, ओके, टाइप ए। ओके, और हेल्दीएस्ट ब्लड टाइप किसको कहा गया? सर, हेल्दीएस्ट ब्लड टाइप ओ को कहा गया। रीजन क्यों कहा गया है ओ को? क्योंकि सर, इसमें जो हार्ट की जो डिजीज होती है उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। ओके, और हार्ट के डिजीजेस के चांसेस किस में ज्यादा होते हैं? सर, हार्ट के डिजीज के चांसेस सबसे ज्यादा ए और AB में होते हैं। ओके, चलिए अब मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ब्लड बैंक टेक्नीशियन इसका वर्क प्रोफाइल बताइए हमें। सर, ब्लड बैंक टेक्नीशियन का वर्क होता है कि जो ब्लड डोनर होता है उनसे ब्लड लेके ब्लड को स्टोर करना। okay. और सर, जो ब्लड स्टोर किया होता है उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहना कि सुरक्षित है या नहीं। right. और सर, ब्लड किस टाइप का है, जैसे AB और O, इन पे लेबलिंग करना। ओके, एज पर देयर टाइप्स। यस सर। चलिए अब मैं आपसे एक बहुत डिफरेंट और यूनिक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, क्या एनिमल्स के भी ब्लड टाइप होते हैं? यस सर, एनिमल्स के भी ब्लड टाइप होते हैं। ओके, तो आप बता सकते हैं कि डॉग के कितने ब्लड टाइप हैं? सर, डॉग के 13 ब्लड टाइप होते हैं। और कैट के? सर, इसके 3 होते हैं। ओके, हम अपना ब्लड अगर चाहें तो कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं? सर, हम 42 दिन से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते अपना ब्लड। ओके, और मुझे ये बताइए कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को कितने टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है? सर, इसको -30 डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है। ओके, मुझे ये बताइए कि बॉडी में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? सर, बॉडी में ब्लड बैंक स्प्लीन को कहा जाता है क्योंकि ये बॉडी में, सर, इसकी जिम्मेदारी होती है कि बॉडी में ब्लड को प्योर करना और इमरजेंसी में, जैसे अगर कोई सिचुएशन है जैसे हेमरेजिक स्ट्रोक, उसके लिए ब्लड सेल्स को स्टोर करना। ओके, तो यू मीन टू से कि स्प्लीन को कहा जाता है और ब्लड को प्योर करना और इमरजेंसी सिचुएशंस में, जैसे आपने बताया हेमरेजिक शॉक के बारे में। ओके, अच्छा, आरबीसी का ग्रेवियर्ड किसे कहा गया है? सर, स्प्लीन को ही कहा गया है। ओके, काजल, ग्रैनुलोसाइट्स क्या होते हैं? सर, ये एक तरह के WBC होते हैं। ओके, बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को कि न्यूट्रोफाइल्स, एसिनोफाइल्स और बेसोफाइल्स आर ग्रैनुलोसाइट्स। सबसे छोटा WBC कौन सा है?
सर सबसे छोटा WBC लिम्फोसाइट्स होता है। ओके काजल, मोस्ट कॉमन केमिकल दैट इज यूज्ड एज ब्लड बैंक एंटी कोगुलेंट्स? ट्राइसोडियम साइट्रेट। ओके वेरी गुड, ट्राइसोडियम साइट्रेट इज कॉल्ड द केमिकल दैट यूज फॉर ब्लड बैंक एंटी कोगुलेंट्स। चलिए काजल, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कुछ ABC ऑफ ब्लीडिंग होती है, तो आप इस ABC की फुल फॉर्म बता सकते हैं? यस सर, बताइए। सर एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। ओके, और डॉक्टर जब कई बार इमरजेंसी सिचुएशंस में ये इंश्योर करते हैं कि पेशेंट्स का ABC मेंटेन्ड रहे, तो आपने बिल्कुल सही कहा, एयरवेज, ब्रीदिंग और इसका सर्कुलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए काजल, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको हम सेलेक्ट क्यों करें, क्योंकि हमारे पास बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हो सकता है आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हो, yes, तो हम आपको ही क्यों लें इस जॉब के लिए? सर सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहूँगी कि आपने मुझे इस ये अवसर प्रदान किया कि मैं आपके आगे बैठी हूँ और आपको अपने बारे में बता पाऊँ। okay. और सर मैं यह भी बताना चाहूँगी कि कई कई मेरी तरह लोग बाहर खड़े हैं, मुझसे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मुझसे कम भी हो सकते हैं, बिल्कुल, पर मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी कि सर मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ, पंचुअल हूँ, ऑनेस्ट हूँ और ईमानदारी से अपना काम करूँगी, तो सर मेरे को अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का एक चांस जरूर दीजिए। ओके डेफिनेटली विल गिव यू, पर मान लीजिए इस इंटरव्यू में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करेंगे? सर मैंने वैसे तो इसके लिए बहुत अच्छी तैयारी करी है और मेरे को पता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर मेरा सिलेक्शन इसमें नहीं होता है तो मैं सर अपनी गलतियों पे दोबारा वर्क करूंगी कि मेरी कहाँ गलतियाँ थी और मैं वापस इसके लिए इंटरव्यू दूंगी। ओह दैट्स वेरी कॉन्फिडेंट, आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक गर्ल है। यस सर। काजल मुझे ये बताइए कि देखिए हमने इस जॉब के लिए कुछ और भी गर्ल्स को रिक्रूट करना है, बॉयज को रिक्रूट करना है, मान लीजिए किसी दिन कोई व्यक्ति ना आए तो आप टीम में काम करती हैं या अकेले भी कर लेती हैं? सर वैसे तो मैं ज़्यादा प्रेफरेंस टीम को देती हूँ कि हमें टीम में अगर वर्क करते हैं तो ज़्यादा अचीव करते हैं, पर लेकिन सर अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती भी है तो मैं अकेले में वर्क कर सकती हूँ। ओके चलिए मुझे ये बताइए काजल कि मान लीजिए आपके जो सीनियर है आपको बहुत एक्स्ट्रा वर्क दिए जा रहे हैं और ब्लड बैंक में तो ऐसा रहता है कि कब आपके पास कोई डोनर आ जाए देने के लिए, तो डिपेंड करता है, तो कभी कभी आपके काम की बर्डन ज़्यादा रहेगी, तो आप मैनेज कर लेंगे? ये सर मैं इजीली मैनेज कर सकती हूँ क्योंकि सर ये मेरी लर्निंग स्टेज ही है और मैं ज़्यादा वर्क अगर मेरे को मिलेगा तो मैं ज़्यादा सीखूंगी और इससे सर मेरी जो काम करने की डेक्सटेरिटी होगी वो भी बढ़ेगी। ओके दैट्स वेरी गुड, अब मुझे ये बताइए काजल मान लीजिए आपके कलीग्स के साथ आपके ट्यूनिंग ही ना बैठे तो आप क्या करेंगे? सर जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो पांचों उंगलियां होती हैं वो एक जैसी नहीं होती हैं, अलग अलग होती हैं, वैसे ही सर सभी के नेचर अलग अलग होते हैं तो हमें एक दूसरे को समझने में टाइम लगता है, तो वैसे ही सर हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे और फ्रेंडली हो जाएंगे। ओके सो यू बिलीव दैट यू कैन इजीली मैनेज एवरी टाइप ऑफ वर्क। यस सर। काजल आप किस तरह के लोगों के साथ काम करना पसंद करती हैं, क्या क्वालिटीज आप देखती हैं उन लोगों में? सर वैसे तो मैं वर्सेटाइल हूँ, मैं किसी भी तरह के लोगों के साथ वर्क कर लेती हूँ, पर लेकिन सर अगर मेरे को पूछा जाए भी हाँ मेरे को किस तरह के लोगों के साथ वर्क करना पसंद है, तो सर मैं उसमें सबसे पहले ये देखती हूँ कि वो ईमानदार हो, पंचुअल हो टाइम का, और सर काम अच्छे से ईमानदारी से करते हो। ओके काजल आप जानते हैं कि ये बहुत अटेंशन रिलेटेड वर्क है, यानी कि आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप एक बार भी अगर ग्रुप से आपसे गलती हो जाए, लेबलिंग में आपसे गलती हो जाए, स्टोरेज में कुछ कमी रह जाए, तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत अटेंशन आपको देनी पड़ेगी इस जॉब में? यस सर इसमें अटेंशन देनी पड़ती है और सर मैं भी एक अटेंटिव गर्ल हूँ और मैं एकदम एक्टिव होकर अपना वर्क करती हूँ। ओके तो सर इसमें मैं अपना ईमानदारी से ही वर्क करूंगी, मुझे पता क्योंकि सर इसमें मेरा इंटरेस्ट भी है। ओके रिलेटेड टू इंटरेस्ट यू कैन वर्क। यस सर। अच्छा आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है सर? सर मेरे लिए सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली अगर मैं इसमें अच्छा वर्क करूंगी तो इसमें मेरी ग्रोथ होगी और बढ़िया वर्क करूंगी तो मेरे को पता है सैलरी भी अच्छी मिलेगी। दैट्स वेरी गुड। काजल कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? यस सर प्लीज। सर आई एम काजल एंड आई एम वेरी मच सिमिलर टू माई नेम क्योंकि मैं अच्छा कार्य करके लोगों के दिल जीत लेती हूँ। सर मैं हेल्पफुल नेचर की हूँ। सर मैं राजस्थान के श्रीगंगानगर से बिलोंग करती हूँ जिसे राजस्थान का अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। सर मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो MGS यूनिवर्सिटी से पास आउट करी है और सर मेरी सेंस है कि मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ, पंचुअल हूँ और ऑनेस्ट हूँ। सर मेरे हॉबीज़ है कि मुझे नए लोगों से मिलना बहुत पसंद है, नई जगहों पे जाना बहुत पसंद है, दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा बताया आपने कि आप हेल्पफुल नेचर हैं। यस सर। तो कोई वीकनेस भी होगी आप में? यस सर मेरी वीकनेस है कि मेरी थोड़ी इंग्लिश जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ी वीक है। ओके तो आप अपनी इंग्लिश के लिए कुछ कर रहे हैं? यस सर इस टाइम मैं यूट्यूब पे जो चैनल है PD क्लासेस और इंटरव्यू गाइड उनको भी देखती हूँ और सर मैं जो PD क्लासेस की जो स्पोकन इंग्लिश 70 वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश है उसे भी पढ़ती हूँ। ओके गुड। काजल व्हाट इज योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल ऑफ लाइफ? सर मेरा शॉर्ट टर्म गोल तो यही है कि मैं ब्लड बैंक में की जो जॉब पाऊँ और फिर सर मेरा लॉन्ग टर्म यही जो रहेगा कि मैं इसमें ही अच्छा वर्क करके आगे प्रमोशन पाऊँ। वेरी गुड। और आपको क्या लगता है हाउ लॉन्ग विल यू स्टे विद अस? कल अगर आपको कोई और अच्छी सैलरी दे तो क्या आप हमारा ब्लड बैंक छोड़ देंगे?
नो सर, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि सर मैं अपनी लाइफ में रोलिंग स्टोन नहीं बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं यहीं से अपना अच्छा वर्क करके ईमानदारी से यहीं से ही आगे ग्रोथ करूँ। वंडरफुल वंडरफुल। तो यहाँ मैं अपने व्यूवर्स से ही बात करना चाहूंगा और उन्हें बताना चाहूंगा कि लास्ट तक हमारे जो वीडियोस देखते हैं अगर आप, तो हम आपको एक टिप जरूर देते हैं। और आज का टिप दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने एक क्वेश्चन पूछा काजल से, दैट हाउ लॉन्ग विल यू स्टे विद अस। तो इसका आंसर आप बहुत इंटरेस्टिंग मोड में दे सकते हैं। काजल ने बोला, सर आई डोंट वांट टू बी रोलिंग स्टोन इन माय लाइफ। तो आप भी कह सकते हैं, सर एज यू नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेटिस्फेक्शंस इन लाइफ, वन इज जॉब, अनदर इज मॉनेटरी सेटिस्फेक्शंस। व्हेन बोथ दीस सेटिस्फेक्शंस मूव्स पैरेलल, देयर इज नो रीजन ऑफ चेंज, एंड एज लॉन्ग एज आई एम ग्रोइंग प्रोफेशनली, देयर इज नो रीजन फॉर मी ऑल्सो टू मेक अ मूव। तो इस तरह से यदि आप इंटरेस्टिंग वे में बताते हैं आंसरिंग अपना, तो वेल एंड गुड है। काजल से मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो आप बता सकते हैं, दोस्तों सर सैलरी इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर थिंग फॉर मी, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर मोर इम्पॉर्टेंट। हाउएवर आई एम श्योर दैट इफ यू मेक मी एन ऑफर, इट विल बी इक्वल टू माई क्वालिफिकेशंस एंड द करंट सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री। उम्मीद है दोस्तों आप हमारे दोनों चैनल से बहुत कुछ सीख रहे हैं। स्पोकन इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज, इंटरव्यूज के वीडियोज हमने आपको अबंडेंट दे रखे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, एंड काजल आपने इस इंटरव्यू में योगदान दिया, वी आर प्राउड ऑफ यू। Thank you. Keep it up. Blessings to you. Thank you, sir.